अस्सलाम वालेकुम। ये हम पनीर बना रहे हैं आज। पनीर बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको क्लब सैंडविच के लिए। बाज़ार से पनीर लेने की जगह ना, आप घर में खुद पनीर बनाइए। दूध ले लिया हमने, बॉइल्ड है, ऑलरेडी बॉइल्ड है, ठीक है। इसको चूल्हे के ऊपर रख देना बॉइल्ड को। उसके बाद एक चम्मच हमने ना, इसके अंदर ये सीक्रेट है, आप डालें, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की। ये एक चम्मच हमने इसके अंदर सीक्रेट चीज़ है जो डाल दिया पनीर बनाने का तरीका। ये आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या हमने इसके अंदर ऐड किया। ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है, ठीक है। ये पनीर बनाने का तरीका बता रहा हूँ, देखें। ये सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। बाज़ार से लेने की जगह आप लोग ये घर में ही बना लिया करें, ठीक है। ये देखें, ये अब इसको थोड़ा सा और प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करना है, ठीक है। देख लें, दूध के साथ पनीर बनाया करें आप अपने घर में ही बनाए, बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको छान लेंगे पनीर को ऐसे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, पूरा एक पाव दूध था, एक पाव दूध में से देखें कितना पनीर निकला और कितना पानी निकला। देखें दूध वाले हमारे साथ कितना धोखा करते हैं, देख रहे हैं ना आप लोग कितना धोखा करते हैं हमारे साथ दूध वाले। ये हमने मलमल का कपड़ा ले लिया, ठीक है। इसको मलमल के कपड़े के अंदर ऐसे डाल देंगे। इसको डालने का मकसद ये है कि जो इसके अंदर अभी पानी रह गया ना, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए ये पानी से। ये देखें, इसका पानी निकल रही है, देखें देखें। हाथ भी जलते हैं ख्याल से, हाथों का भी ख्याल करना है। ये देखें, हमने आपको पनीर बनाने का तरीका बताया था, ठीक है। ये हमारे पास पनीर है, इसको ऐसे बारीक बारीक ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये लाल मिर्च ऐसे हल्की हल्की इसके ऊपर डाल देनी है, ठीक है। ये नमक डाल रहे हैं इसके ऊपर। ये क्लब सैंडविच बनाने का तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। बेकरी स्टाइल में जैसे क्लब सैंडविच होता है ना, ये आप वो आपको वो बता रहा हूँ बेकरी स्टाइल में क्लब सैंडविच कैसा होता है, ठीक है। ये बस इस तरह हल्की सी हल्दी बिल्कुल ऐसे चुटकी भर, ये हल्का सा इस तरह ऑयल इसके ऊपर इस तरह फ्राई पैन में लगा दिया। अब इसको हल्की आँच पर इसको फ्राई करना है, ठीक है। ये तो मैं आपको एक ब्रेड एक स्लाइस बनाकर दिखा रहा हूँ कि भी क्लब सैंडविच कैसे बनाया जाता है बेकरी स्टाइल में, ठीक है। आप लोगों ने अगर ज़्यादा बनाने हो ना क्लब सैंडविच, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आपने कम से कम बिना 1 किलो से 1.5 किलो दूध लेना है, ताकि उसकी पनीर भी ज़्यादा बने। ये एक पाव दूध की पनीर बनी, ये देख लें कितनी बनी है, देख लें। ये नेशनल वालों का मायनीज है हमारे पास, ये देखें मायनीज निकाल लिए। ये केचप तकरीबन 1 चम्मच, देखें। इसके अंदर मिक्स करते हैं, इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। इसके अंदर आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। आपने कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसकी स्लाइसेस काट लेनी है साइड वाली ना, ठीक है, क्योंकि ये सैंडविच में ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। ये देखिए साइड पर निकाल लेनी है ये। अब इसके ऊपर ना हम हल्का हल्का इससे चम्मच की मदद से इसके ऊपर मायोनीज ऐड लगाएंगे। देखें मायोनीज लगाना इसके ऊपर, मायोनीज की कोटिंग करनी है पहले इसके ऊपर। ये देखें क्या बात है, ये ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल भी कमाल, क्लब सैंडविच बन रहा है। बेकरियों पे बनाएं और इसकी मदद से हज़ारों रुपये कमाएं। केचप की कोटिंग बेकरियों वाले भी इसी स्टाइल से बनाते हैं, उनके कोई वक्रे स्टाइल नहीं होते, या कोई दुबई से बंदा नहीं बुलाते बनाने के लिए, वो भी ये ऐसे इसी तरीके से बनाते हैं सेम टू सेम। ये पनीर मायोनीज और केचप जो हमने मिक्स किया था, अब उसको एक देखें ब्रेड के ऊपर इस तरह हमने ये देखें इस तरह लगा लिए। तो एक ही सैंडविच बनाया है हमने ना, ज़्यादा नहीं बनाया, एक ही बनाया है। देखें इसका एक नहीं बनेगा, इसके भी 2 सैंडविच बनेंगे, क्योंकि इसको दरमियान से कट करेंगे ना। अब इसको हमने ना
ये चूल्हा जल रहा है नीचे, मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया हल्का हल्का इसे, ये देखें इसको हल्का हल्का हमने वो करना है, पकाना है ना, टोस्ट करना है। ये देखें गाइस, मैंने इसकी साइड चेंज की है, ये देखें क्या बात है, क्लब सैंडविच बन रहा भाई। इसमें आप अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो चीज़ आपके पास घर में अवेलेबल, लाजमी नहीं बाजार से हर चीज़ लेके आए, नहीं जो चीज़ घर में अवेलेबल है वही चीज़ यूज़ करनी है। देखें नीचे उतारिए, अब इसको दरमियान से सैंडविच कितना काट लेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको हमने सर्व करना है मायोनीज और केचप के साथ, हमने इसको सर्व करना है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह क्या बात है, क्या बात है, थोड़ा सा केचप डाल लिया ये, अब थोड़ा सा मायोनीज हम ऐड कर देंगे, क्या बात। अब इसको लगा के इसके साथ खाना है, देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या बात है, क्या टेस्ट है सर, क्या टेस्ट है। आप लोगों ने भी ये रेसिपी बनानी है और हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।